माता दी साथियों, मैं नन्द विश्वकर्मा। आज आपको अपने चैनल नन्द विश्वकर्मा में क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी अध्याय 15 चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण में। आज के चैप्टर में अनुवांश जैव विविधता की संकल्पना संकल्पना या अवधारणा को बताऊंगा। तो वही संकल्पना है, वही अवधारणा है। जैव विविधता के मुख्य रूप से 3 संकल्पना होती है। इस चैप्टर में मैं आपको अनुवांशिक विविधता और जाति विविधता बताऊंगा। तो जैव विविधता की संकल्पना या अवधारणा 3 थी। पहली है अनुवांशिक विविधता, दूसरी है जाति विविधता। अनुवांशिक जो विविधता है, क्या एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य तथा विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को अनुवांशिक विविधता कहते हैं। अर्थात प्रजातियों, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों और विभिन्न प्रजातियों के मध्य जो विविधता पाई जाती है उसे अनुवांशिक विविधता कहते हैं। जाति विविधता जो होती है जीवित प्राणियों एवं पादपों के मध्य पाई जाती है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको पारिस्थितिक विविधता बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तब आप मेरे चैनल नन्द विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जैसे ही जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी सर्वथा आप तक पहुँच सके। जय माता दी साथियों।